वेलकम बैक टू एनिमडिकेट फिजिक्स। एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा लेक्चर है, एमसीक्यू उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर में हमने कैपेसिटेंस पढ़ा, ठीक है, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, और एनर्जीज क्या है, फिर एनर्जी डेंसिटी क्या है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। अब ग्राफिकल एनालिसिस इसके करते हैं कि क्या होगा। सो क्यों वी ग्राफ, देखो फर्स्ट हमने ये पढ़ा था कि क्यों इज इक्वल टू सी वी, मतलब क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इसका जो स्लोप है वो स्ट्रेट इंक्लाइन होगा, क्या होगा, स्ट्रेट इंक्लाइन होगा। और ये स्लोप आपको क्या देता है, ये स्लोप आपको क्या देता है, शाबाश बताओ, क्यों डिवाइडेड बाय वी देता है, क्या देता है, क्यों डिवाइडेड बाय V देता है। और जो क्यों डिवाइडेड बाय V है, तो ये क्या चीज है, कैपेसिटेंस है कि नहीं है। क्यों डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, यहां से निकाल सकते हो C इज इक्वल टू क्यों बाय V, ये क्या है, ये है कैपेसिटेंस। स्लोप ऑफ क्यों V ग्राफ गिव्स अस व्हाट, अ कैपेसिटेंस। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया देता है क्यों मल्टीप्लाई बाय V, ओल्ट इंटू कूलम देता है, ठीक है, क्या देता है, ओल्ट इंटू कूलम, वी इंटू सी, ये देता है। अब दूसरा जो ग्राफिकल एनालिसिस है वो क्या है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। अगर मैं सी और ए के दरमियान लगा, यहां पे रिलेशन क्या है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अगर मैं सी और एप्सिलॉन आर की जगह निकालू, क्योंकि यहां पर एप्सिलॉन आर भी है ना, तो फिर यहां पे क्या होगा, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन देगा ये स्लोप। अगर मैं सी और डी के दरमियान करूं तो ये क्या है, ये तो इनवर्स रिलेशन है, डिक्रीज होता है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होता है, डिक्रीज होगा, ठीक है। इसी तरह आ जाइए एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, अगर U और C के दरमियान ड्रा करना चाहते हैं तो क्या होगा, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, वोल्टेज सेम, जब बैटरी कनेक्टेड हो, जब बैटरी कनेक्टेड है तो फिर इसका जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, जब बैटरी डिसकनेक्टेड है वो एक्सपोनेंशियल आएगा, क्यों, यहाँ पे U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, यहाँ पे U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और यहाँ पे U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफिकल एनालिसिस थे किस चीज की, कैपेसिटर के, क्या डिफिनेशन पे क्या है, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ठीक है, फिर ये जब बैटरी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, जब बैटरी कनेक्टेड हो, जब बैटरी डिसकनेक्टेड हो, और ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी का कुछ ग्राफिकल एनालिसिस। तो अगर ग्राफ में आ जाए तो आपको याद होने चाहिए। मिलते हैं न्यू लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।